अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ोंग MVP डिवाइस के लिए एंटीना कैसे डिज़ाइन करते हैं। एक्चुअली ये जो डिवाइस है इनके साथ एंटीना नहीं होता और ना ही इसमें एंटीना के लिए कोई पोर्ट होती है, लेकिन हम इसमें एंटीना को लगा सकते हैं। ये उन जगहों के लिए ज़्यादा बेटर है जहाँ पे सिग्नल होते हैं लेकिन रूम वगैरह में जाके सिग्नल नहीं होते, तो इसके लिए हमें एंटीना की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा तो दोस्तों, आप को अब मैं ये बताऊँगा कि एंटीना को लगाते कैसे हैं। तो उसके लिए हमें डिवाइस को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइस के अंदर सर्किट में एंटीना पोर्ट के लिए जगह अवेलेबल है लेकिन एंटीना पोर्ट लगाई नहीं गई। तो सबसे पहले हमें वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे हम एंटीना के लिए कोई पोर्ट कोई जैक लगा सकते हैं। तो वीडियो में अभी आप देखेंगे कि वो बेसिकली कहाँ पे है। तो यहाँ से आपको ये तीन डॉट नज़र आ रहे हैं, वो तीन डॉट्स हैं जिनके साथ हमने कनेक्शन लगाने हैं एंटीना के लिए। ये सर्कल में आप देख लें, यहाँ ये जो तीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये तीन डॉट्स, ठीक है, जो सेंटर है उस पर एक वायर लगाएंगे, जो दो साइड है उनमें से किसी भी साइड पे एक दूसरी वायर लगाएंगे। बेसिकली हम दो वायर्स लगाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैं अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये इसके लिए आपको एक सोल्डरिंग आयरन या काविया की ज़रूरत होगी। तो अब इसको मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये मैंने एक जैक ढूंढा है जो एक साइड से तो डबल वायर है लेकिन दूसरी साइड से इसमें ये आसानी है कि आप इसको लगा सकते हैं और उतार सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये दोनों कनेक्शन मैंने लगाने हैं। एक सेंटर, मैं अपने आसानी के लिए जो रेड वायर है उसको मैं सेंटर पे लगा रहा हूँ, जो ब्लैक है वो साइड पे लगा रहा हूँ। साइड के लिए जो कनेक्शन है वो बेसिकली अर्थ है और मेन जो कनेक्शन है वो रेड है जो एंटीना के लिए है, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, दोनों कनेक्शन मैंने लगा देने। जब ये कनेक्शन लग जाएंगे तो ये जैक इस तरह का हो जाएगा जैसे वायर के लिए आ जाएगा। जब हम इसको पैक करेंगे डिवाइस को वापस, तो ये वायर के लिए कनेक्शन हो जाएगा और वायर इजीली कोई भी दूसरा जो एंटीना है उसके साथ भी हम एक जैक लगाएंगे। ये दोनों जब कनेक्ट करेंगे वो जैक एक दूसरे में लगाएंगे तो एंटीना कनेक्ट हो जाएगा। जब हमें ज़रूरत नहीं होगी तो हम जैक को उतारेंगे और हम इस डिवाइस को कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लगाते किस तरह हैं। ये देखें, मैंने दोनों कनेक्शन लगा दिए हैं और ये अब बेसिकली एक तरह से इसके लिए जो एंटीना पोर्ट है वो बन गई है। ये आप देख लें, लग गए दोनों कनेक्शन, ये मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रा ध्यान रखना है कि ये जो कनेक्शन है ये आपस में मिक्स ना हो, मतलब आपस में शॉर्ट सर्किट ना बने, नहीं तो फिर ये एंटीना लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके लिए अगर आपके पास कोई मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो वो ज़्यादा बेटर है, उससे वो ज़रा जूम करके आप देखेंगे कि इसमें अगर कोई जगह है जहाँ पे कनेक्शन हुआ है आपस में शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आप उसको पहले ठीक करें, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये लग गया है, ठीक है। अब ये बिल्कुल रेडी है कनेक्शन, इसको मैं दोबारा पैक करता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसके साथ एंटीना कौन सा लगाएंगे, ठीक है। तो अभी ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर, ये बेसिकली लैपटॉप का जो स्क्रीन का बैक कवर है ना वो है, वो आपको कहीं भी शॉप से बड़ा सस्ते में मिल जाएगा। मेरे पास लिनोवो का है, ठीक है। उस बैक कवर के साथ आप देखेंगे कि दो वायरें लगी हुई हैं जो बेसिकली एंटीना के लिए वायर्स हैं, ठीक है। इन वायर्स को जब काटेंगे तो एक एक वायर में दो वायर्स हैं, एक वायर की एक तरह से जाली सी है, मतलब बारीक बारीक तारें उनका एक जाल सा बनाया गया है, ठीक है। और एक जो अंदर की वायर है वो मोटी वायर है, ठीक है। ये दोनों वायर्स आपको चाहिए, जो अंदर की मोटी वाली वायर है सख्त सी तार है वो आपने लगानी है, वो जो मैंने रेड का बताया था, ठीक है।
और जो दूसरी है वो आप दूसरे साइड पे लगा लें, ठीक है। तो ये दोनों वायर हो जाएंगी, वो आगे क्या है एंटीना बन गया, ठीक है। या दोनों डबल, आप डबल कनेक्शन लगा लें, दोनों का सेम मेथड कर लें जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एंटीना बना सकते हैं, और ये एंटीना मैंने खुद आजमाया है, ये काम करता है। मैंने तो शॉर्ट वायर लगानी है, जस्ट लगाई है जस्ट आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप इसके लिए लंबी वायर ले लें। और ये जो लैपटॉप का जो एलसीडी का कवर है इसको ऊपर किसी अच्छी जगह पे लगा दें, ठीक है। तो इसकी रिसेप्शन अच्छी हो जाएगी, ऊपर सिग्नल है तो आपको भी दिखेंगे। ये दूसरा जो है ये भी एंटीना है, ये जो FM रेडियो को लगता होता था इसको भी हम लगा सकते हैं। ये मैंने ट्राई की, आप देख सकते हैं, ये डबल एंटीना है और इनकी दो वायर्स हैं वो वहाँ पे मैंने लगाई हैं, और इसको मैंने देखा है ये बेहतरीन काम कर रहा है, कम से कम मेरे एरिए में और मेरे रूम में काम कर रहा है। मेरे रूम में मसला ये था कि जोंग के सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो जब मैंने ये लगाया जोंग के सिग्नल ठीक हो गए हैं और बेहतरीन काम कर रहा है, इंटरनेट ठीक ठाक चल रहा है, सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये याद रखें इस तरह नहीं होता कि एक जगह पे सिग्नल है ही नहीं, ठीक है। आप कहें कि नहीं मैं ये एंटीना लगाऊंगा तो वहाँ पे मुझे 4G मिल जाएगा, ये कम से कम मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि सिग्नल्स हैं किसी जगह पे आ रहे हैं किसी जगह पे नहीं आ रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि एंटीना अगर आप ऊपर लगा लेते हैं छत पे तो नीचे आप वो सिग्नल नीचे आप रिसीव कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।